सरस्वती पूजा के मौके पर बड़े धूमधाम से रांची वासियों ने सरस्वती माँ की आराधना की। इस मौके पर द नेटवर्क ने जानना चाहा कि इस बार लोगों में उत्साह कैसा है, क्योंकि पिछले 2 सालों से कोई उत्सव नहीं मन पाया है कोरोना काल के वजह से। अब कोरोना कम है तो लोग पंडाल गाड़ रहे हैं, गाना बजा रहे हैं, बड़े धूमधाम से सरस्वती माँ की आराधना कर रहे हैं। इस मौके पर देविका देवी ने द नेटवर्क से कहा कि हमारे बच्चे खुश रहे सरस्वती माँ से, यही प्रार्थना है। कोरोना में सबकी पढ़ाई घर में रहते रहते बहुत नुकसान हुआ है, आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। साथ ही अन्य रांचीवासी ने कहा कि सिर्फ सरस्वती माँ का आराधना करने से ही नहीं, बल्कि अपने चरित्र का निर्माण भी करना जरूरी है। सिर्फ पूजा पाठ से ही नहीं, अपने अंदर बदलाव भी लाना पड़ेगा, तभी माँ खुश होगी। आइए सुनते हैं। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो सरस्वती पूजा को लेकर आप बहुत उत्साहित नजर आ रही है, सुनने वाला रात दिन आप लगी हुई है, क्या कुछ कहेंगे? क्या हर साल ऐसे ही होता है? मतलब हर साल मेरा बाबू लोग ऐसे ही करता है। हाँ। मेहनत से करता है और सबके सहयोग, स्कूल का ज्यादा सहयोग से करता है जी। और मिलजुल के सब बच्चा लोग को साथ में सरस्वती पूजा मनाता है। अच्छा। मनाने से आगे माहे का उन्नति भी बढ़ता है, बुद्धि ज्ञान बढ़ता है, सरस्वती भी आती है जी। समाज सेवा कोई खराब नहीं होता है, सरस्वती पूजा करना चाहिए। हाँ। सरस्वती पूजा के देख के हमको दिल में खुशी आ रहा है, लग रहा है कि मेरे घर में देवी जी आ गई और मेरे बच्चा लोग को भी रक्षपाल होगा और इसको साथ साथ में सारा भैया बहन लोग को होगा, सब बच्चा लोग को सरस्वती जी विद्या देगी जी। इस कोरोना काल में कहीं ना कहीं बहुत नुकसान हुआ है पढ़ाई का, और कोरोना में बहुत बच्चे, भगवान न करे, लेकिन बहुत डेथ भी हुआ। कोरोना में भी कितना बच्चा पढ़ कर बर्बाद हो गया, कितना बच्चा को आँख खराब हो गया मोबाइल का चलते। मोबाइल पर बच्चा कितना पढ़ सकता है, स्कूल नहीं खुलेगा तो सब पढ़ाई बर्बाद हो जाता है। और बड़ा संकट से बाप मतारी पैसा देता है बच्चा लोग को पढ़ने के लिए, और देते हुए सरकार उसको एकदम लूज बना दिया, कोरोना को हल्ला कर कर, कोरोना को कह कर एकदम लूज बना दिया। गरीब आदमी अपना पाई पाई जोड़ के बच्चा लोग को देता है कि मेरा बच्चा पढ़ेगा, सब बच्चा लोग को तो पास मोबाइल नहीं है, आके वो पढ़ेगा और आगे महे बढ़ेगा। तो हमारा कहना नाम है कि सरकारी स्कूल खोल देता, और खोल देती तो अच्छा होता कि सब बच्चा लोग, सब गरीब को सहारा होता। आपके बच्चे भी इसी स्कूल से पढ़े हैं? हाँ, हमारा बच्चा यही में पढ़े सरकारी हैं, सरकारी स्कूल। हाँ, यही स्कूल में प्राथमिक विद्यालय स्कूल से पढ़े हैं जी। अब पढ़ के निकले हैं जी। बच्चा लोग मेरा यही में पढ़ा, यही सहयोग से हम लोग भी आगे महे बढ़ रहे हैं। एक सरकारी स्कूल है तो आपको क्या लगता है सरकार की तरफ से और क्या होना चाहिए था तो और अच्छा होता? सरकार के तरफ से ही होना चाहिए कि बच्चा लोग को कुछ मदद मिले और आगे महे बढ़े, अब बच्चा लोग को आगे की उन्नति दिया जाए। थोड़ा सा सहारा से बहुत सहारा होता है। सरस्वती माँ से आज क्या प्रार्थना करेंगी आप? सरस्वती माँ से आज क्या प्रार्थना करेंगी? यही प्रार्थना करेंगे कि हे सरस्वती माँ, हमको ज्ञान दीजिए, मेरा बच्चा लोग को ज्ञान दीजिए और आगे महे के भविष्य बनाइए। गलत रास्ता मन सिखाइए, अच्छा रास्ता सिखाइए कि मेरा बच्चा लोग को नाम होए और पढ़ लिख को आदमी बने। सरस्वती पूजा है आज, ऐसा लग रहा है कोरोना काल में मानो विद्या की देवी रूठ चुकी है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? इतने साल से स्कूल बंद है, क्या मतलब समाज में क्या हो रहा है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, पहले तो सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई सब लोग को, और बीमारियां जो चल रही है दुनिया में ये तो बहुत दुखदाई चल रहा है, कितने लोग हमारे साथ छोड़ के चले गए हैं, लेकिन इससे लड़ना है हम लोग को। जो भी इसमें जो गवर्नमेंट के तरफ से या पब्लिक तरफ से जो हमको बताया जाए उसका हमको पालन करना चाहिए, और पूजा पाठ जो भी इसका अपने सरस्वती पूजा हो रही है, जो और पूजा होती हैं, ये तो शिक्षा के लिए है, आदमी को समझाने के लिए ही ये पूजा पाठ किया जाता है और उसका आशीर्वाद लेने के लिए ये सब किया जाता है। और ये बच्चे विकास हैं जैसे, और भी इनके साथी हैं, अगर ये काम कर रहे हैं अच्छे से तो बहुत अच्छी बात है, इससे एक माहौल बनता है, आदमी बीमारी को भूल जाता है, इसमें जब एनुअल हो जाता है तो खुशी के लिए ही सब कुछ किया जाता है। सरस्वती का जो रूप है वो शिक्षा का रूप है, शिक्षा का रूप है वो, और इन लोग बहुत अच्छा काम कर रहा है,
वैसे भी समाज में विकास है, इनके साथ हैं। हम तो यहाँ पे बगल में गुरुद्वारा में 25 साल से हैं यहाँ पे। हम देखते हैं इनको बचपन से कि किसी का दुख है, सुख है, किसी को एम्बुलेंस लेके जाना है, किसी का कुछ है, कोई पैसे कैसे हो गए, कोई मर गया उसका संस्कार करवाना, हर काम में इन लोग आगे रहता है। और इस पूजा प्रणाली में बहुत आगे रहता है, इन लोग हर काम में आगे रहता है। हम यही परमात्मा से, ईश्वर से और सरस्वती जी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही काम करते रहें और देश का, अपने मोहल्ले का, अपने समाज का नाम रोशन करते रहें। अब आज विद्या की देवी का दिन है, आप छात्रों से क्या कुछ, बच्चों से क्या कुछ कहना चाहेंगे विद्या को लेकर? आज विद्या की देवी का दिन है, आप विद्या को लेकर मतलब छात्रों से आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं पूजा करने से ही मतलब विद्या मिल जाएगा अपने अपने चरित्र को? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये बात नहीं है। गुरु ग्रंथ साहब में एक शब्द है, विद्या विचारिता परोपकारी। क्या विद्या का, शिक्षा का विचार करते हैं तो आप परोपकारी बन सकते हैं। परोपकारी में दूसरे का भला कर सकते हैं आप। भला कब करेंगे? अच्छा पढ़ के इंजीनियर, डॉक्टर और अच्छी पोस्ट में जाके वकील बन जाए, कुछ भी बन के अच्छा काम करके आप निस्वार्थ सेवा करें। विद्या का असली उद्देश्य वही है। और साथ ही समाज से आप क्या आज के दिन संदेश देना चाहते हैं इस कोरोना काल? संदेश यही देना चाहते हैं कि जो बच्चे गरीब हैं समाज में, जो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, उनके लिए कोई ना कोई ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए, उन बच्चों की सेवा करना चाहिए। पूजा पाठ में जितना खर्चा आप करते हैं, या और कौन बिल्डिंगों में खर्चा करते हैं, घर में शादी ब्याह में जितना खर्चा करते हैं, उससे कुछ ना कुछ हिस्सा निकाल के आपको गरीब बच्चों को पढ़ाने में जरूर साथ देना चाहिए।